वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीरो एरर की सो व्हाट इज ज़ीरो एरर सो इट इज़ अ टर्म विच शोज हाउ फार अवे फ्रॉम जीरो इज द रीडिंग व्हेन रियल वैल्यू इज नोन टू बी ज़ीरो मतलब जब कोई भी वैल्यू जीरो होनी चाहिए लेकिन वो जीरो नहीं है तो जिस भी डिवाइस से आपने उसके वैल्यू को मेजर किया है विच वॉज मैन टू बी जीरो बट इट इज़ नॉट जीरो देन इट दैट डिवाइस इज हैविंग सम ज़ीरो एरर दो तरीके के जीरो एरर होते हैं पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर ठीक है तो ज़ीरो एरर का मतलब क्या होता है सपोज मेरे पास ये स्केल है है ना अब मुझे अगर इस स्केल से कोई भी लेंथ मेज़र करना हुआ तो मैं उस डायमेंशन के एक एंड को इस जीरो मार्क पर रख दूँगा और दूसरे एंड का जो वैल्यू आएगा सपोज़ दूसरा एंड फोर पे आता है है ना तो हमें उसका लेंथ कितना मिल जाएगा फोर सेंटीमीटर तो इस, इस स्केल में कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है लेकिन कई बार क्या होता है कि हम क्लास में लड़ाई करते हैं और स्केल टूट जाता है ना ऐसे तो एक टूटा हुआ स्केल है अब मुझे इसी से इस वाले स्केल से उस लेंथ को मेज़र करना है तो अब ऐसे बात है इसमें जीरो दिख नहीं रहा है तो मैं उसका एक एंड मान लो वन पे रखता हूँ तो दूसरा वाला एंड कहाँ पे आ जाएगा फाइव पे आ जाएगा तो इस स्केल ने जो रीड किया वो कितना रीड किया दैट इज़ नॉट फोर सेंटीमीटर दैट इज़ फाइव सेंटीमीटर तो इस स्केल से हमें एक्सेस रीडिंग मिला अब बात समझे ना सही वाले स्केल से चार सेंटीमीटर मिला था बट इस टूटे हुए स्केल से हमें रीडिंग कितना मिल रहा है फाइव मिल रहा है दूसरा वाला एंड कहाँ पर आ गया फाइव आ गया ओके okay? तो इस ये जो स्केल है वो हमें एक्सेस रीडिंग प्रोवाइड करता है एक्सेस रीडिंग का मतलब होता है जीरो एरर इज पॉजिटिव पॉजिटिव जीरो एरर इज कॉल्ड एक्सेस एरर और अगर ये एक्सेस है तो हमें फाइव को अगर फोर में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू तो सब्ट्रैक्ट वन तो जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है वो एक्सेस एरर होता है हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है ठीक है ना तो ज़ीरो पॉजिटिव एरर में क्या होता है कि जो भी ज़ीरो मार्क होता है हम उसके आगे जाके उस उससे उसके राइट साइड right में या उ, उसके उससे जो हायर रीडिंग्स होती हैं वहाँ से हम मेज़रमेंट करना स्टार्ट है, करते हैं तो हमें एक्सेस रीडिंग मिलता है उसको हम लोग जीरो एरर कहते हैं ना सपोज एक दूसरा स्केल लेते हैं जहाँ पे जो लेफ़्ट एज है स्केल का उससे कुछ गैप से ज़ीरो स्टार्ट हो रहा है और मुझे कोई लेंथ मेज़र करना है तो आप बोलोगे सर जीरो यहाँ पे प्लेस कर लो उस जो लेफ़्ट एंड है उस डायमेंशन का उसको ज़ीरो प्लेस करके मेज़र कर लो कर सकते हैं लेकिन सपोज़ अपने पास में ये एक ग्लास है है ना इसको मैं थोड़ा ऐसे रख दे रहा हूँ और मुझे इसका डेप्थ मेज़र करना है तो अब मैं उस डेप्थ को तो ज़ीरो पर नहीं रख पाऊँगा तो मैं इस स्केल को इसमें इंसर्ट करूँगा इस तरह से तो जो इस स्केल में का जो लेफ़्ट एज है वहाँ पर ज़ीरो मार्क तो है नहीं तो जो डेप्थ हम मेज़र करेंगे वो ज़ीरो के लेफ्ट साइड से मेज़र करेंगे है ना तो अगर हम जीरो के लेफ्ट साइड से डिस्टेंस मेज़र करना स्टार्ट करेंगे तो हमें कम वैल्यू मिलेगा अब जो वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट होके फोर तक आता वो वैल्यू अगर मैं यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट करूँ तो वो थ्री पॉइंट सेवन तक आएगा तो पॉइंट थ्री मिल पॉइंट थ्री सेंटीमीटर या थ्री थ्री मिलीमीटर का हमें कम रीडिंग मिल रहा है तो दैट इज़ लेसर रीडिंग तो जब कोई डिवाइस लेसर रीडिंग प्रोवाइड करता है तो उसमें नेगेटिव जीरो एरर होता है तो अगर 3.7 पॉइंट सेवन मिलीमीटर सेंटीमीटर को हमें 4 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.3 मिलीमीटर सॉरी 0.3 सेंटीमीटर या 3 मिलीमीटर mm को हमें ऐड करना होगा है ना तो जब ज़ीरो के लेफ्ट से हम मेज़रमेंट करना स्टार्ट है, करते हैं तो उसमें उसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा और इसको हमें ऐड करना पड़ेगा करेक्शन करते समय और अगर हम जीरो के राइट right से मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें पॉजिटिव जीरो एरर होगा और हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा मेजरमेंट करते समय तो वर्नियर कैलेपर में क्या होता है इन वर्नियर कैलिपर्स वेन बोथ जॉज आर मेड टू टच ईच अदर बट जीरोज़ ऑन बोथ स्केल डू नॉट कोइंसाइड देन देर इज जीरो एरर ठीक है ना वॉट इज पॉजिटिव जीरो एरर वैन एनी डिवाइस प्रोवाइड्स एक्सेस रीडिंग देन इट हैज पॉजिटिव जीरो एरर इट हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड वाई करेक्टिंग मेजरमेंट in vernier caliper इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज to the राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल देन इट हैज पॉजिटिव जीरो एरर मैंने बताया ना कि जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट right साइड से आप मेजर करना स्टार्ट करो ठीक है ना इस स्केल में अगर आप जीरो के राइट right साइड यहां से मेजरमेंट करना स्टार्ट करोगे तो उसमें पॉजिटिव जीरो एरर होगा ठीक है तो आप इस डायग्राम को देखो इसमें देखो जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड से में लाई कर रहा है तो जब भी वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट साइड में लाई करेगा तो ऐसे वर्नियर वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव जीरो एरर होगा एंड दैट नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड बिकॉज ये एक्सेस रीडिंग प्रोवाइड करेगा तो पॉजिटिव जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं ठीक है अब जीरो एरर मेजर कैसे करते हैं तो फिर से हम दो तरीका देखते हैं एक डायरेक्ट डायरेक्ट मे, मेजरमेंट करेंगे और दूसरा फार्मूला बेस्ड मेजरमेंट करेंगे ठीक है तो वापस से आप इफ यू फोकस है तो दैट इज़ द तो पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस आप देखो यहाँ पे है यह ना ये पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस दिख रहा है ना और आप यहाँ पे देखो कि बेसिकली ये जो रेफरेंस लाइन है ना ये जॉ ए और जॉ बी का जब आपने दोनों के जॉस को टच कर दिया जब हम जीरो एरर मेजर करते हैं तो हम वन स्केल और मेन स्केल के जॉज को टच कर देते हैं तो दोनों कॉमन रेफरेंस लाइन हो गया लेकिन अब मेन स्केल का जो ज़ीरो है और जो वन स्केल का जीरो है वो डिफरेंट गैप पे हैं इसका मतलब देर इज़ सम ज़ीरो एरर ठीक है ना अब अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्सिडेंस की बात करें तो वन ईर स्केल का जो ज़ीरो वन टू थ्री फोर फोर्थ डिवीज़न है वो मेन स्केल के डिवीज़न से मैच कर रहा है और मेन स्केल के थर्ड डिवीजन से मैच कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस रेफरेंस लाइन से वापस से पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस के डिस्टेंस को मेजर करूं वाइल मूविंग एलोंग मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल तो दोनों वैल्यूज के आने चाहिए सेम आनी चाहिए अब देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस इज सेम फ्रॉम लेफ्ट जॉ एलॉन्ग बोथ स्केल्स तो ब्लू एल लाइन का लेंथ कितना होगा एल जीरो एम एल जीरो एम यह डिस्टेंस हुआ दैट डिस्टेंस इज एल जीरो एम प्लस मेन स्केल के जीरो से पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस के बीच में गैप को एल एम कहते हैं दैट इज़ एल एम और अगर हम इस येलो वाले लाइन के लेंथ लिखें तो रेफरेंस लाइन line से वन स्केल का जीरो एल ज़ीरो वी हो गया और प्लस फोर्थ डिवीजन मैच कर रहा है सो दैट इज एल वी दैट इज एल वी तो यहाँ से एल ज़ीरो एम माइनस एल ज़ीरो वी दैट इज़ एल वी माइनस एल एम ठीक है ना तो that is a zero error this is zero error l 0 m minus l 0 v that is l v minus l m so this is 3 into 0 0.9 millimeter l v matlab fourth division hai. sorry i have written that is third one no? 0 1 2 3 three divisions of vernier scale so 3 into 0.9 millimeter and मेन स्केल के तीन डिविजन्स हैं तो थ्री इंटू वन मिली सो दैट इज कमिंग टू बी माइनस जीरो पॉइंट थ्री मिली है ना अब ये माइनस क्या है मैं अभी बताता दूँगा है ना अभी अभी इस पर आप वापस बात करते हैं इस माइनस पे ना सेकेंड मेथड क्या है सेकेंड मेथड डायरेक्ट फार्मूला जैसे हम रीडिंग लेते हैं वन ईयर कैले पर की इन द सेम मैनर हम लोग जीरो एरर को भी मेजर करेंगे ठीक है ना तो हमें चाहिए मेन स्केल रीडिंग हमें चाहिए वी एस आर और हमें चाहिए लीस्ट काउंट तो आप ये देखो कि मेन स्केल रीडिंग क्या होता है वर्नियर स्केल के जीरो के जस्ट लेफ्ट में तो वर्नियर स्केल का जीरो ये है इसके जस्ट लेफ्ट में मेन स्केल का जीरो लाई कर रहा है तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया जीरो प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है तो वर्नियल स्केल रीडिंग का मतलब कौन सा मार्क मेन स्केल से एक्जैक्टली कोंसाइड करा है सो दैट इज अ थर्ड मार्क है ना गलती से मैंने फोर ली लिया था पहले दैट इज थर्ड वन तो थ्री इंटू जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर लीज काउंट से जैसे जीरो पॉइंट थ्री मिली तो ये जो जीरो एरर आया है ये यहाँ पॉजिटिव आया है तो so जब हम इस तरह से जीरो एरर कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज कमिंग टू बी पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव जीरो एरर नाउ डायरेक्ट रीडिंग में इट वॉज माइनस जीरो पॉइंट थ्री मिली तो अगर आप डायरेक्ट रीडिंग वाले पार्ट पे फिर से मूव करते हैं तो इफ़ यू रिम्बर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना ये पॉइंट सो इट वाज डी इक्वल टू एल एम माइनस एल वी प्लस एल जीरो एम माइनस एल जीरो वी ठीक है ना तो ये वैल्यू कितना आया था ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव सेवन सेंटीमीटर ठीक है ना और एल ज़ीरो एम माइनस एल जीरो वी एस कमिंग आउट टू बी पॉइंट थ्री मिली तो आप देख सकते हो इट इज़ बिंग सब्ट्रैक्टेड हे ना यहाँ पे ये क्योंकि नेगेटिव है ना ये अगर ये नेगेटिव है तो इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्योंकि हम लोग यहाँ फार्मूला नहीं यूज़ कर रहे हैं ना कि हम डायरेक्टली फार्मूला में उसको एड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम डायरेक्ट रीडिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट रीडिंग में हमें जो वैल्यू मिला है वो मिला है एल जीरो एम माइनस एल जीरो भी और यहाँ से वो वैल्यू कितना सॉल्व हो रहा है माइनस पॉइंट थ्री मिली तो जो भी हम यहाँ पर रीडिंग लिखेंगे उस रीडिंग में हमें इसका वैल्यू प्लेस करना है इसका वैल्यू माइनस पॉइंट थ्री मिली आएगा तो हमें डायरेक्ट रीडिंग में हम हम सीधे इस रिलेशन में ही वैल्यू पुट करेंगे हमें वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में ऑर्डर नहीं करना है जो भी वैल्यूज मिलेंगे हम उसको डायरेक्टली प्लेस कर देंगे लेकिन जब हम फार्मूला बेस्ड अप्रोच रखेंगे तब जब हमें ज़ीरो एरर पॉजिटिव मिलेगा तो हम उसको सप्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली सप्ट्रैक्ट हो रहा था और यहाँ पर हमें ज़ीरो एरर पॉइंट थ्री मिली मिल रहा है मतलब हमें एक्सेस रीडिंग पॉइंट थ्री मिली मिल रहा है तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दैट और यहाँ पे हम डायरेक्ट मेजरमेंट ही कर रहे हैं और यहाँ पे हम करेक्शन कर रहे हैं तो पॉजिटिव जीरो एरर का करेक्शन नेगेटिव होगा और यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली मेज़र करेंगे तो ये अपने आप माइनस साइन वहाँ पे एकमोडेट हो जाएगा ठीक है ना सो दैट इज पॉजिटिव ज़ीरो एरर सिमिलरली देर इज नेगेटिव ज़ीरो एरर तो अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ्ट में चला जाए मतलब मैं मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ्ट से जाके रीडिंग मेजर कर रहा हूँ इसका मतलब मुझे कम रीडिंग मिलेगी लेसर रीडिंग मिलेगी तो दैट इज़ नोन एज नेगेटिव ज़ीरो एरर उसको हमें ऐड करना होगा जब ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा तो हमें ऐड करना होगा बिकॉज यहाँ पर रीडिंग कम होनी है अब वापस दो तरीका एक तो आप डायरेक्टली कैसे वैल्यू लिखोगे और दूसरा फार्मूला कैसे अप्लाई करोगे तो वापस से देखो कि अगर हम ब्लू लाइन और येलो लाइन के लेंथ को इक्वेट करें तो एल जीरो एम प्लस एल एम इक्वल्स एल जीरो वी प्लस एल वी अब क्योंकि उस वाले रिलेशन में यहाँ पे हमें एल जीरो एम माइनस एल जीरो वी का वैल्यू पुट करना है तो जो एल जीरो एम माइनस एल जीरो वी का वैल्यू है वो होगा एल वी माइनस एल एम अब फिर से काउंट करते हैं तो वन टू थ्री वन टू थ्री एंड फोर तो वर्नियर स्केल का फोर्थ मार्क मेन स्केल के थर्ड मार्ग से ओवरलैप कर रहा है सो दिस इज़ एल वी माइनस एल एम तो फोर इंटू जीरो पॉइंट नाइन मिली इज़ एल वी एंड माइनस थ्री इंटू वन मिली सो दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट सिक्स मिली तो ये वैल्यू अपने आप ऐड हो गया वहाँ पर हमें करेक्शन नहीं करना ये ऑटोमेटिकली वो ऐड होना है और अगर हम लोग यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है इस पर थोड़ा ध्यान देना है ना कि जब ज़ीरो एरर नेगेटिव होता है तब उसको हम कैसे मेज़र करते हैं तो वापस से फॉर्मूला यूज करते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट ठीक है तो कैन यू टेल मी व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग हियर तो मेन स्केल रीडिंग क्या होता है मेन स्केल रीडिंग होता है जीरो जो वर्नियर स्केल का है उसके जस्ट लेफ्ट में जो मेन स्केल का वैल्यू होता है मार्क होता है तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो ये है वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल का जीरो इसके राइट में है तो इसके लेफ्ट में वैल्यू कौन सा होगा यहां पे कौन सा मार्क होगा सो दैट विल बी माइनस वन इजन डेट भाई अगर ये जीरो है वन टू थ्री जैसे नंबर लाइन होता है तो जीरो के लेफ्ट में कौन सा होगा माइनस वन होगा माइनस टू होगा माइनस थ्री होगा तो यहां पे मैंने जो वैल्यू लिया है वो लिया है माइनस वन माइनस टू क्यों नहीं लिया है इसके बारे में आप सोचना ठीक है तो जो मेन स्केल रीडिंग है जीरो के लेफ्ट में जो मेन स्केल को अगर हम मार्किंग बनाते तो माइनस वन आता तो मेन स्केल का रीडिंग कितना हो गया माइनस वन प्लस वन ईयर स्केल का कौन सा मार्क एग्जैक्टली कौन साइड कर रहा है सो दैट इज अ फोर्थ मार्क तो फोर इंटू पॉइंट वन मिलीमीटर सो दैट इज माइनस जीरो पॉइंट सिक्स मिलीमीटर तो ये नेगेटिव जीरो एरर है करेक्शन में ये एड होगा ठीक है डायरेक्ट रीडिंग में ये प्लस माइनस साइन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है और जब हम रेक्टिफिकेशन करते हैं करेक्शन करते हैं जीरो एरर कैलकुलेट करके अलग से तो फिर हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव ज़ीरो एरर को ऐड करेंगे तो जो भी रीडिंग होगा फाइनली उसमें हमें पॉइंट सिक्स मिलीमीटर को ऐड करना होगा बिकॉज इतना कम रीडिंग मिला है तो इस वीडियो के लिए हम लोग इतना रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्नियर इले के कुछ क्वेश्चंस करेंगे